देखिए आज हम अपना ये टैंक खाली कर रहे हैं, कुछ मछली निकालनी है तो थोड़ी बेचैन हो रही है। अभी आधा टैंक खाली हुआ है, इसकी वजह से ये थोड़ी बेचैन हो रही है। देखिए अभी आधा टैंक खाली हुआ है, इसमें पंगासियस हैं और हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत और मछली भी हो। देखिए ये जाल से ही पकड़ के अभी निकाल रहे हैं हम, कितनी मछलियाँ आई है इसमें। एक आध तो बाहर फंसी हुई है, अब दो तीन तो बाहर फंसी हुई है, देखिए कैसे लटक रही है। ये तो खाली जाल गिर गया था, ये तो जाल अपने आप गिर गया था तो फंसी हुई है ये अपने आप। काटा वाला है ये, ए कुछ डब्बा बाल्टी ला बाबू, देखना तो बाल्टी खाली। अभी पानी बंद कर दिया हो, खाली हो रहा है, अभी निकल रहा है, थोड़ा और खाली कर लो थोड़ा बहुत। तो अभी पूरा हमें नहीं निकालना है मछली, इसमें से 200 किलो के करीब मछली निकालनी है, तो उसके लिए तो हमें जाल से ही निकाल लेंगे इतनी मछलियां। तो जैसे जैसे खाली हो रहा है हम आपको दिखाते हैं हार्वेस्टिंग। जैसे जैसे ये लोग पकड़ रहे हैं मछलियाँ ज़्यादा बेचैन हो जा रही हैं। ये जाल में फंस जा रही हैं, उससे बढ़िया है कि दो आदमी घुसो और वो पतले वाले जाल से पकड़ो, पतले वाले जाल से पकड़ो, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, फंस गया था छोटा मछली। निकाल के रख रहे हैं उसमें, इनका कलर हाँ डालो और इनका कलर देखिए, दो आदमी घुसो ये छोटा वाला जाल लेकर के, इसमें इनका कांटा फंस जा रहा है। हाँ देखिए कुछ मछलियाँ छोटी भी है, कुछ करना नहीं है, सब निकाल दो, निकालना तो अब ठंड आ रही है, सारा निकालना ही है हमें, छोटी है चाहे बड़ी है, रखने का कोई फायदा। हाँ बहुत छोटी है तो उनको उस वाली टंकी में डाल देंगे, चाहे उसमें भी रखने का तो कोई फायदा है नहीं, उसमें तो और भी टेम्परेचर कम हो रहा है। छोटका छोटका मत डालिएगा, रोहू है, बाल्टी ले आओ, बाल्टी ले आओ, बाल्टी ले आओ भाई, ले आओ, मतलब हम निकाल लेंगे, टब ले आओ, हम निकाल के दिखा, नहीं तो कैमरा रखा ही है, देखिए छोड़िया मत, छोड़िया मत, कांटा लगता है इसका बहुत तेज, बचा के उसको ऐसे मत पकड़ो, अगर लग गया कांटा ना ऑपरेशन से निकालना, ये काफी बड़ी मछली है, यहाँ थोड़ी भीड़ ज्यादा लग गई है, वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा उसी में रहना, रोहू को कैसे छोड़ दिया, देखिए मछलियाँ कैसे बेचैन हो रही हैं।
इसका एरेशन बंद कर दो फिर, एरेशन किस लिए चालू कर रहे? नहीं एरेशन चलता रहे, सुई से भी चोक हुआ। बहुत होता ना होता ना सही है, इतना तो इतना में तो 50 किलो मछली खा ली, ठीक से उठा दे चला था। दलिया है ना तनु हाँ, फटाफट निकालो वो चल पड़ते हो फिर। छोटका देखो निकाला ना महिला हाथ में सावन में रखा जी होने रखा लो बाल्टी रखा लो होने को रखा जी आई बोल दे ये कटाओ मैं यहाँ से मार दिया ये जल्दी जल्दी चला ना मरा यहाँ तो होगी ही नहीं मछली, उधर ही उधर की तरफ होगी। वीडियो बनाना मर दे साल के, हमने इसमें रखा हुआ है हाथ अंदर से इधर अभी निकाल रहे हैं तो। इसमें रखा हुआ है निकाल के, ये छोटी छोटी डाल दो ना उसमें, फिर से कुछ मछलियाँ छोटी है ये अभी निकाल ही रहे हैं। तो कैसे भाग रही है उधर देखिए, कैसे बेचैन हो रही है, ये निकाल लिए। अब बड़े बड़े आज बड़ी फंस जा रही हैं, शुरू में छोटी छोटी मछलियां आई थी लेकिन अब आ रही हैं बड़ी बड़ी मछलियां। देखिए कितने बड़े बड़े बात है, बड़े बड़े बात है। वजन कर करके बोरे में डालो और सीधा कार में डाल दो माल। बाहर देखिए अभी भी हार्वेस्टिंग चल रही है, अभी वीडियो में देखिए एक बार में कितना सारा जाल में आया है। शुरू में लड़कों को आइडिया नहीं था, नहीं कम कम निकाल रहे थे लेकिन अब एक बार में इतना इतना मछली निकाल रहे हैं सब। जो छाटना हो यही छाट लेना, अब देखिए ना एक बार में 20-20 किलो आ रहा। आइडिया कोनो भी चीज आइडिया नहीं थे, नहीं था ना इन लोगों को आइडिया नहीं था इसलिए। जलिया पकड़ ले रहे नहीं है यार, पकड़ ले तो देखिए ये मछलियाँ कैसे चक्कर लगा रही हैं। ये पानी भरने के बाद का सीन है, मैं मछली निकाल चुके थे इसमें से तो उसके बाद से जब हमने दोबारा से पानी भर दिया थोड़ा सा तो उस टाइम ये बेचैनी में जैसे स्ट्रेस में आ गई हैं मछलियाँ। अभी हमने पूरा पानी भरा नहीं है, देखिए किस तरीके से पूरे टैंक का चक्कर लगा रही है, ठीक है देखिए कैसे बेचैन हो गई है। देखिए पूरा ये लंबी लंबी दिख रही है, देखिए कैसे चक्कर लगा रही है। क्योंकि हम लोग जाल से पकड़े थे, पूरा पानी खाली नहीं किया था तो इस वजह से बड़ी मछलियाँ पकड़ में नहीं आई। देखिए ये कैसे घूम रही हैं, बड़ी मछलियाँ रह गई थी और उन्हें लगभग 250-300 किलो निकाला था इसमें से तो बाकी फिर एक दो दिन में हार्वेस्टिंग करेंगे।
देखिए आज फिर हम इसमें से निकाल रहे हैं, बची हुई है आज भी 150 किलो माल तो निकालेंगे ही। कैसे आज हम पूरा पानी खाली करके निकाल रहे हैं, पहले तो हम जाल से थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे थे, लेकिन आज हम इसको पूरा पानी खाली खाली करके और बड़ी बड़ी जो हैं उनको निकालेंगे। तो देखिए कैसे मछलियाँ बचैन हो रही है। चारों तरफ पूरे टैंक में ऊपर पूरे टैंक में मछलियाँ ठीक है।